नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकली हुई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल में बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने सिंपल 10वीं पास कर रखा है, आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्त बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी टोटल पोस्ट की बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट 9212 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें दोस्तों आप यहां पर देखिए अप्लाई डेट की बात करते हैं। तो अप्लाई डेट आपके 27/3 से 25/4 तक अप्लाई होंगे। एक महीने का आपको समय दिया जाएगा, आप अप्लाई करना चाहें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके 27/3 तक फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड इसके कब आएंगे? तो एडमिट कार्ड आपके 20/6 से 25/6 तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्जाम कब आपका होगा? एग्जाम आपका 1/7 से 13/7 तक आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों अभी आपके पास समय है, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले इसमें दोस्तों आपका रिटन टेस्ट होगा, इसलिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप सिंपल 10वीं पास हैं तब भी भर सकते हैं, 12वीं पास हैं तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 3-4 तरह की वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एजुमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 2 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी, और एससी एसटी से हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों आपकी जो एज काउंट की जाएगी ना, वो दोस्तों आपकी यहाँ पर 1/8 और 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके बीच में आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले इसमें दोस्तों आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पर मेडिकल होने वाला है। ये दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब दोस्तों आप सिलेबस थोड़ा ध्यान से समझिए। आप लोगों का डाउट होता है ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और 0.25 अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, इसमें माइनस मार्किंग भी है। और सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयर से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आपका सिलेबस हो गया। अब दोस्तों इसमें इसका फिजिकल ध्यान से समझिए। इसमें दोस्तों हाइट की बात करें 1.70 सेंटीमीटर, फीमेल की 1.57 सेंटीमीटर, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर बुलाना होगा। फीमेल का यहाँ कोई चेस्ट नहीं मांगा गया है। और रनिंग दोस्तों आप देख सकते हैं, हर पोस्ट के लिए अलग अलग रनिंग दी गई है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लगा दिया। आप अच्छे से वीडियो रोकिए और यहाँ पर देख लीजिए कि किस पोस्ट में कितनी रनिंग होगी। ये दोस्तों आपने समझ लिया इसकी रनिंग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको सैलरी कितनी मिलेगी? तो दोस्तों इसमें सैलरी लेवल 3 से 21,700 से 69,100 रुपए प्रति मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपका आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।